रहते जमुना पार, उनकी लंबी मोटर कार, बेटी सज धज के लेने आओ ना सरकार। बाबरी, आज का वर्कआउट करके तो मेरे पसीने पसीने छूट गए हैं। अब थोड़ा सा कार्डियो कर देती हूँ। क्यों नहीं रो रही? किधर? ये आंटी क्या कर रही है? आंटी क्या कर रही है यहाँ पे? और ये क्या कपड़े पहन के आए हो आप जिम में? ए, आंटी किसको बोला तूने पहली बार? और कैसे क्या कर रही है? दिखाई तेरे कपड़े के मैक्स पहन रखी थी सुंदर सी मैंने। और मैं सब जानती हूँ तुम जैसे लड़कों की चाल को। रहा सुंदर सी लड़की देखी नहीं जिम में, उससे फ्लर्ट करने आ गया। सुंदर सुंदर कौन है यहाँ जिम में? सुंदर कौन है इस जिम में? पहली बार कोई सुंदर लड़की आती भी है? एक मैं ही तो हूँ अबला नारी इतनी सुंदर सी यहाँ इस जिम में। हैं आंटी, पहली बात आप सुंदर हो नहीं, कहीं से कहीं तक सुंदर भी नहीं लगते हो, और दूसरी बात मुझे मर्दों जैसी शकल वाली आंटी पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मर्दों जी तू है कौन पे नहीं पता मुझे? मैं यहाँ जिम का ट्रेनर हूँ। अच्छा तुम यहाँ पे ट्रेनर? ये मेरे ट्रेनर जी। एक्चुअली ना मेरे पति को ना मेरे पे इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। मेरे पति को मैं शादीशुदा हूँ ना, अब मैंने सोचा कि जिम चल जाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा मैं अगर स्लिम बढ़िया हो जाऊंगी तो मेरे पति मेरे पे फिर इंटरेस्ट दिखाने लग जाएगा। अरे आंटी आप हमेशा ये एक्सरसाइज क्यों करते हो? अरे इसी एक्सरसाइज के लिए तो मैंने मेन जिम स्टार्ट करा। मेरे मुन दीदी ने बताया ये एक्सरसाइज यहाँ की अवेलेबल है बहन बड़े करने के लिए। तब ना मैं भी मलाइकार और आगे जैसे हो जाऊंगी, इसीलिए करती मैं। अरे पहाड़ी बाजी आप यही आते हो क्या जिम? अरे इंस्टाग्राम पे खूब छाए हो आजकल। ए हट। और आपका तलाक हो गया सुनने में आया था? तलाक अभी तो नहीं हुआ लेकिन मुझे लग रहा तुम करवा के रहोगी। अरे भेजी।